हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी सेज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी हैं वो पांच सिटीज जो सबसे ज़्यादा पे करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। मतलब कि दोस्तों, कौन से हैं ऐसे पांच सिटीज़ जहाँ जाकर आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो जॉब करके। हाँ जी दोस्तों, रिसेंटली एक सर्वे करवाया गया और उस सर्वे से सामने आई हैं ये पाँच सिटीज़। तो फिफ्थ नंबर पर दोस्तों है चेन्नई। हाँ जी दोस्तों, चेन्नई में एवरेज आउट जो सैलरी पाई गई है वो है अराउंड 6.3 लाख रुपीज़ पर एनम। मतलब कि एक साल का चेन्नई में एवरेज आउट सैलरी 6.3 लाख तक कमाते हैं एक जो है मिडिल लेवल टाइप के एम्प्लॉयज़। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर पे दोस्तों। फोर्थ नंबर पे है हैदराबाद। हाँ जी दोस्तों, हैदराबाद में अब जो है एम्प्लॉयज़ को अराउंड 8.5 लाख रुपीज़ दिया जाता है एक साल का तकरीबन। हाँ जी दोस्तों, 8.5 लाख रुपए के करीब एवरेज आउट सैलरी है हैदराबाद में। तो उसके बाद हम आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की सिटी पे, जहाँ की सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाता है। तीसरे नंबर की सिटी आई है दिल्ली या NCR रीजन। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली NCR रीजन में अराउंड 8.8-8.9 लाख तक एवरेज सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज़ को। अब हम जानते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सैलरी देता है वो है मुंबई। हाँ जी दोस्तों, मुंबई में एवरेज आउट सैलरी 9 लाख रुपये है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और नंबर वन पे जो सिटी है पेइंग के मामले में सबसे ज़्यादा जो एवरेज वेटेड एवरेज कॉम्पेंसेशन जहाँ मिलता है वो है बेंगलुरु। हाँ जी दोस्तों, बेंगलुरु में मिलती है 12 लाख रुपए सैलरी पर एनम एम्प्लॉयज़ को एवरेज आउट। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक और जो खबर सामने आई है वो ये है कि हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज, ये जो हैं इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इसी के साथ साथ कंज्यूमर सेक्टर भी काफ़ी बड़ा हाईएस्ट पेइंग सेक्टर बना है इंडस्ट्री में सैलरी देने के मामले में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्प की होगी और आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी लेके। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल JB Says। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।